माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात बांदा के मेडिकल अस्पताल में हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी करते हुए धारा 144 को लागू कर दिया गया है, जिसको लेकर प्रयागराज में भी हाई अलर्ट जारी हुआ है। वहीं मुख्तार अंसारी की मौत के बाद दूसरे दिन शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। देर रात से ही प्रयागराज के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था कर दी। पुलिस और आरएएफ के जवान लगातार फ्लैग मार्च कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते रहे। वहीं कोतवाली क्षेत्र के चौक में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को ध्यान में रखते हुए जामा मस्जिद के पास भारी संख्या में पुलिस के साथ आरएएफ और पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया है। साथ ही मुस्लिम इलाकों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। देखिए, आज जो जुम्मे की नमाज है उसी के दृष्टिगत जो शहर है उसमें हर जगह पे जो पुलिस फोर्स है वो डिप्लॉय की गई है और मेरे द्वारा भी यहाँ पे जो आरएएफ है उसके साथ फ्लैग मार्च किया गया है और लगातार जो पुलिस है वो सतर्क है और ढोंढ से है।